guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Clutches, purse, handbags, ये चीजें और लड़कियां बहुत ही गहरा संबंध है. हमें ये सारी चीजें इतनी पसंद आती है कि हमारे पास अगर 1000 बैग्स भी रहेंगे तो हम और एक ले लेंगे. क्यों? क्योंकि वैसी वाली हमारे पास नहीं है, राइट? आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ क्लचेस. प्लेन DIY क्लचेस मेरे पास आए हैं और वो मैंने आर्टलिम से लिए हैं. आर्टलिम की वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. 3 डिफरेंट शेप्स के DIY क्लचेस मैंने उनके वेबसाइट से परचेस किए हैं और उनको हम करेंगे डिज़ाइन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट DIY क्लच का डिज़ाइन. बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन किया हुआ है और क्वालिटी भी मुझे इसकी बहुत पसंद आई. सबसे पहले मैं ये वाला क्लच डिज़ाइन करने वाली हूँ. ये रेक्टेंगुलर शेप में है और इसके अंदर आपको एक उनका टैग मिल जाएगा जो आप एज अ बुक मार्क भी यूज़ कर सकते हो. और बहुत ही क्यूट सा मैसेज है इसके ऊपर. जो पहला स्टेप है वो है टू अप्लाई जेसो. तो आपको अप्लाई करना है जेसो एज अ बेस कोट, एज अ प्राइमर. क्योंकि हम फैब्रिक के ऊपर काम करेंगे तो आपको ऑब्वियसली कुछ देना पड़ेगा कलर के पहले. उसके बाद मैं ये कलर अप्लाई कर रही हूँ. जेसो को ड्राई होने दो अच्छे से और फिर आप जो भी कलर आपको यूज़ करना है वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो. जैसे मैंने ये जो कलर यूज़ किया है वो है मल्टी सरफेस पेंट. आप एक्रेलिक भी उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो. आप जो चाहे वो पेंट कर सकते हो इसके ऊपर. इस तरह का ये प्रोडक्ट ही ऐसा है कि आप कुछ भी इसके ऊपर पेंट कर सकते हो. चाहे तो मंडाला बना सकते हो या फिर आप कुछ अगर पर्टिकुलर लाइक पेंट करना चाहते हो, कोई आर्ट फॉर्म पेंट करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है इसके ऊपर. मैं आपको सिंपल से डिज़ाइन बना के बताने वाली हूँ क्योंकि बिगिनर को भी वो आना चाहिए. इसलिए तो पहले मैंने सिर्फ ये 2 कलर ले लिए और इनको इस तरह से मैं पेंट कर रही हूँ और फिर मैं उनको ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से. ब्रश यूज़ करो. अगर आपको ब्रश थोड़ा हार्ड जा रहा है तो आप स्पंज से भी अच्छे से उसको ब्लेंड कर सकते हो. अब इसको मैंने ड्राई होने दिया. ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है. अब आएगा स्टेंसिल. स्टेंसिल यूज़ करके मैं इसके ऊपर पहले मैंने इसको फिक्स कर दिया अच्छे से और फिर जो मिक्स मीडिया पेस्ट होती है उसको मैं यूज़ करूँगी और पैलेट नाइफ यूज़ करके उसको इस तरह से पेस्ट कर देना है और फिर स्टेंसिल को रिमूव कर दो इमीडिएटली और फिर उसको ड्राई होने दो. ड्राई होने के बाद ये जो मेटालिक वैक्स है रिच गोल्ड शेड में, वो मैं यूज़ करने वाली हूँ. ये अगर आप ये स्किप करना चाहते हो ये स्टेप तो कर सकते हो. डायरेक्ट मेटालिक पेंट भी आप इसके ऊपर दे सकते हो बट आपको बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा. मेटालिक वैक्स इस तरह से आप दे सकते हो तो मुझे मेटालिक वैक्स ज़रा ज़्यादा ईजी लगा. जस्ट हाथ से आपको देते रहना है और उसका थोड़ा सा थिक कोट देना है और उसके बाद मैं ये मेटालिक पेंट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो शाइन चाहिए थी वो नहीं मिली मेटालिक वैक्स से. इसलिए इसके लिए मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ स्मॉल साइज़ का. और फिर ये सब होने के बाद फिनिशिंग के लिए हम वार्निश यूज़ करेंगे. तो वार्निश में ये वाला जो क्लच है इसके लिए ग्लॉस वाला यूज़ कर रही हूँ. आप मैट भी यूज़ कर सकते हो जैसे आपकी पसंद उस तरह से. मुझे इसके लिए ग्लॉसी ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसा लगा. एंड सी द फाइनल रिजल्ट्स. सेकेंड जो है उसके लिए मैं ये वाला स्क्वायर शेप का क्लच ले रही हूँ. फर्स्ट स्टेप जो है वो कॉमन रहेगी सबके लिए. पहला जो है मैं जेसो अप्लाई करूँगी. तो फ्लैट ब्रश यूज़ कर लो जेसो के लिए और अच्छे से एक कोट दे दो और फिर उसको पूरा ड्राई होने दो. ये स्टेप हर चीज़ के लिए कॉमन है. अब ये ड्राई हो चुका है. इसके बाद मैं और एक चॉक पेंट ले रही हूँ जो बहुत ही लाइट है शेड में. देख सकते हो आप वाइट के जैसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट शेड है उसका. तो वो मैं कॉर्नर में लगा लूँगी पहले और इसको भी मैं ड्राई होने दूँगी. हर एक स्टेप में ड्राई होने देना है और उसके बाद ही अगला जो लेयर है वो आएगा. अब इसको जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मास्किंग टेप. मास्किंग टेप हर एक के घर में होता है आई एम श्योर. तो इसको हम इस तरह से लगा लेंगे
एक फाइन लाइन चाहिए हमें इसलिए, और उसके अंदर मैं थोड़ा सा डार्क शेड दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं है, एकदम थोड़ा सा है। और उसको ड्राई होने के बाद हम मास्किंग टेप निकालेंगे एंड फिर हमें इस तरह से परफेक्ट लाइन मिल जाएगी। मास्किंग टेप का यही बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये डेको ट्रांसफ़र शीट। इसके मैंने जो भी जो एलिमेंट्स मुझे चाहिए थे वो मैंने कट कर लिए पहले, फिर उसके बाद जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है उसके ऊपर उसको रिमूव कर दो और इस तरह से उसको जो भी सरफेस पे आपको ट्रांसफ़र करना है इमेज उसको ऐसे रख दो। अब इसके बाद आपको करना है एक काम कि आपको लेना है एक स्पंज और उसको पानी में डिप करके आपको इस तरह से पानी उसको लगा देना है पीछे के साइड में, और जब वो आपको थोड़ी देर में जो पीछे की इमेज है वो दिखने लगेगी और जो वाइट लेयर है वो तब आप रिमूव कर सकते हो। सी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, जैसे वो पानी में भीग जाता है आपको वो जो इमेज है वो दिखने लगती है। अब हम इसको रिमूव कर देंगे और यही वाला जो स्टेप है वो हम सारे एलिमेंट्स के लिए करेंगे, सेम प्रोसीजर। पहले पानी से आपको उसको पूरा भिगो देना है और जैसे ही इमेजेस दिखती है उसको रिमूव कर दो। अब इसके बाद इसके ऊपर वार्निश आ जाएगा और ये है इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट DIY में मैं ये वाला क्लच यूज़ कर रही हूँ, इसकी भी फिनिशिंग आप देख सकते हो। फर्स्ट स्टेप कॉमन रहेगा, जैसो अप्लाई करना है आपको, तो मैंने पहले इसको अच्छे से जैसो अप्लाई कर दिया थिक कोट, और फिर उसको ड्राई होने के बाद मैंने ये वाला कलर अप्लाई किया है। ये जो DIY है इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्पंज, क्योंकि मुझे अच्छे से उसको दो कलर ब्लेंड करने हैं। लाइट पिंक कलर मैंने बीच में यूज़ किया है और थोड़ा सा डार्कर शेड मैंने साइड में यूज़ किया है, और इस तरह से मैंने उसको स्पंज से पूरा ब्लेंड कर दिया है और ये ड्राई होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे डेको मैजिक ग्लू। तो डेकोपाज हम ये वाला टेक्निक के लिए करने वाले हैं। ये जो नैपकिन है डेकोपाज नैपकिन, उसको मैं पहले कट कर लूँगी, इतना पोर्शन हमें कट करना है। तो ब्रश से हम पहले उसको पानी से ऐसे ऐसे लगा देंगे ताकि इजीली वो कट हो जाए, और ऐसे हम इसको जो भी इसके शार्प एजेस है वो कट कर देंगे। और यहाँ पे भी थोड़े शार्प एजेस थे तो वो मैंने पानी लगा के इस तरह से कट कर दिए। हमें सिर्फ डिज़ाइन चाहिए, तो पीछे के जो लेयर्स है उनको निकाल दो और फिर ये एक लेयर अप्लाई कर दो हमारे क्लच के ऊपर, और फिर जो डेकोपाज नैपकिन है हमारा वो आ जाएगा इसके ऊपर, उसको अच्छे से स्टिक कर दो ताकि कोई भी अंदर बबल्स ये नहीं रहे, बाद में इसे व्रिंकल्स नहीं आने चाहिए इसलिए। और उसके ऊपर और एक कोट आएगा डेकोपाज ग्लू का, और फिर ड्राई होने के बाद हम ये जो वार्निश है उसको अप्लाई करेंगे। इसको भी हम ड्राई होने देंगे और ये है इसका फाइनल लुक। सो गाइस, आपको ये तीन डिजाइंस कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगे हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर इनमें से आपको कोई पर्स परचेस करनी है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगी और आप इजीली उसको परचेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।